पे डिस्को, तमंचे पे लोकतंत्र रखती है टीएमसी। और बहुत दुख होता है प्रदीप जी, मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर को मुद्दा पे राजनीतिक मुद्दा बने रहने देना इन लोगों ने रखा, हम तो उन नाजिया इलाही ने कुछ बोला। अनवर जी मौजूद है, मैं अनवर जी से लूंगा। नाजिया इलाही ने अपना दिया रिएक्शन वेरी क्विक। मैं आ रहा हूँ नीति, आ रहा हूँ, आज थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। नाराज तो नहीं होंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल। जी जी जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन ने बात करी गोवा से और ये बीजेपी के प्रवक्ता। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री गए बिहार में, बिहार में नीतीश कुमार जी को क्या कहते थे, ये महिला विरोधी, ये बुजुर्ग विरोधी, कितनी बातें करी। और आज क्या करे, आइए मेरे साथ माला में है, कभी आज तक मालाओं के साथ घुसेड़ा नहीं, आज पलटू राम को गले में लगा लिया, अजीत पवार को गले में लगा लिया। अरे महिलाओं की तो बात ना करें, ज्यादा अच्छा मेरे भाई। जी नीति, वेरी गुड। महिलाओं को तो महिलाओं की बात तो जरूर करूंगी। ये लोग मणिपुर रोते हैं, लेकिन संदेश खाली में माँ माटी मानुष का अगर टीएमसी देती है नारा, तो वहाँ पे किस तरीके से दुर्गा पूजा होने वाले क्षेत्र में किस तरीके से नारियों का शोषण होता है तो कोई नहीं बोलता। राजस्थान जो सबसे ज्यादा रेपिस्ट का बना क्षेत्र, तो कोई नहीं बोलता। और ये संसार है, ये संसार। अनवर आराम। हाँ जी अनवर जी, महिलाओं को सम्मान मंच पे तो दे नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ इन लोगों का आप उम्मीद करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना से टीएमसी की सरकार ने, राज्य सरकार ने महिलाओं को वहाँ पे वंचित रखा, तब कोई नहीं बोला। अपराधियों को संरक्षण दिया, वहाँ पुलिस तय करती है कि अपराधी कब सरेंडर करेगा। जी जी, मैं आगे आगे प्रभात आगे प्रभात एक मिनट, आराम से। सब ठीक है ना? और तुम्हारे नेता कैसे हैं? बस बढ़िया सर। और तुम्हारे नेताजी को टिकट मिल रहा है? आपने बोला तो कई लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे जो अपने नेताओं की, अपने नेता की, और अच्छी उसमें बुराई थोड़ी ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भैया। तो सपोर्टर के बगैर तो नेता बेकार होता है। जी कहाँ से आना हुआ साहब? सर मैं भारत से हूँ। नहीं भारत से तो है, देखिए अगर मूर्खों जैसी बात करेंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। और आपके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा कि आप कैसा नजर आए, इंटेलिजेंट नजर आने चाहिए। जी तो आप इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंट नजर आए। और कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम था आप दिल्ली से हैं। दिल्ली का आदमी ही ऐसी बातें बोलता है। मैं रुकिए मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट, आराम से बोलो। सर लिस्ट की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से वो एक खानापूर्ति है। नाम वोट जो है मोदी जी के नाम पे पड़ता है, जनरल इलेक्शन में जो मुद्दे नेशनल मुद्दे हैं उन पे पड़ता है। तो जो फेस है मोदी जी है, जो कि ऑपोजिशन के पास एक कॉमन फेस नहीं है जिस तक वोट पड़ सके। तो मेरे बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हाँ। और ये जो बात है ये ऐसी बात इन्होंने कही कि मोदी जी के नाम पर तो वोट पड़ता है और विपक्ष के पास कोई नाम नहीं है। स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं मैं उनका तारुफ करा दें। मनोज शर्मा जी मध्य प्रदेश से मौजूद है, भोपाल में हमको नजर आ रहे हैं। दिल्ली से प्रियंका जी, क्योंकि हवा बहुत तेज है तो वो भी खैर नजर आ रही है, मुझे बालों को ठीक करते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर से भवानी जी, जब भवानी उसे 5-6 नाम लग रहे हैं इस बार कि कौन कौन नाम पहले लिस्ट लगेगी उससे। और बीजेपी के दफ्तर से रवि जी मौजूद हैं, दिवाकर हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, अमित जी लखनऊ से। क्या बात अमित, बहुत चुपचाप मौजूद है, एक रिएक्शन दीजिए, क्या बात है, सन्नाटे में कहाँ खड़े हैं आप अमित जी? या बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ समतामूलक चौक के पास, और मैं आपको बताऊं कि जो आज पहली लिस्ट जारी होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान होगा। और इसके अलावा इससे पहले भी हमने देखा था, जैसे ही 2019 का इलेक्शन था उस दौरान भी जो पहली लिस्ट आई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था। लखनऊ से राजनाथ सिंह हो सकते हैं। अमित बहुत राइट अमित बहुत बहुत छोटा रिएक्शन। प्रियंका के बाद जाना। प्रियंका बड़ी चर्चा है दिल्ली से कि साथ में 4 नाम बदल जाएंगे, 3 रहेंगे। प्रियंका तुम्हारे पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? और वैसे तो रवि बताएंगे कुछ देर में, लेकिन आप बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या है। प्रियंका कहाँ, कौन बदल रहा है, कौन किसके नाम की चर्चा? प्रियंका कांडपाल दिल्ली से। देखिए जी प्रतीक जी, देखिए जो अभी तक खबर आ रही है तो बताया जा रहा है कि 6 टिकट्स को लेकर आज अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसमें से 4 जो है वो बदले जा रहे हैं। और प्रवेश वर्मा, जिनकी पिछली बार की अगर बात करें तो रिकॉर्ड विनिंग था, 5 लाख वोटे का तकरीबन फर्क था जिससे उनका एक रिकॉर्ड बना था जीत का, तो वो बने रह सकते हैं ये संभावित लिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं। दूसरा संभावित नाम जो बने रह सकता है वो मनोज तिवारी का है, काफी पॉपुलर है, नॉर्थ ईस्ट से ये लड़ते हैं। इसके अलावा बाकी जो नाम है, चाहे
वो नई दिल्ली की सीट हो। नई दिल्ली सीट पर बेहद रोचक नाम सामने आ रहा है, सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, जो कि एक साल से अगर दिल्ली बीजेपी की बात करें तो ऑफिस बेयरर भी है, मंत्री है, स्टेट सेक्रेटरी है। और इसके अलावा दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, रोहिणी वाली सीट, हंसराज वाली जो सीट थी उसके बदले में। खास बात यह कि चांदनी चौक सीट की जब हम बात करते हैं, व्यापारियों का पूरा जोन है, व्यापारी संघ वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वहां से जो नाम सामने आ रहा है वो केट के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल का नाम सामने आ रहा है। ईस्ट दिल्ली की सीट को लेकर अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। राइट प्रियंका, राइट प्रियंका, बड़े काफी खंडेलवाल साहब बहुत काफी समय से सक्रिय है। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, मैं रुक करना चाहूंगा इस वक्त बीजेपी दफ्तर। रवि, कितनी देर में अनाउंसमेंट होगा, कब से ये जनता मौजूद है, थोड़े 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 रिएक्शंस दे देगी ये भी तो मुझे बताइए कि बीजेपी के दफ्तर से कब आप हमको नामों का ऐलान करते हुए सुना रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, अब देखिए 6:07 हो रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद, और कभी भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े, जो खबर आ रही है वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंसमेंट करने वाले। आज जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 150 नामों की जो लिस्ट है वो फाइनल हुई है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें नाम तय हुए थे, तो आज उम्मीद की जा रही है कि 100 से ज़्यादा जो लिस्ट है वो अनाउंसमेंट होने वाली है। और खास करके इसमें दिल्ली को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, और बनारस जिसको लेकर आपने काफ़ी देर से जिक्र किया, और वहाँ पर आपके जो लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं वो लगातार जो तालियां बजा रहे हैं कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार दोबारा देखना चाहते हैं। तो क्योंकि 2019 में जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी उसमें सीनियर नेताओं के नाम उसमें सबसे पहले घोषणा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का नाम था। तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों तीनों जो है कद्दावर नेताओं के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर से एक रिएक्शन लूंगा, उससे पहले मैं जनता की तरफ जाना चाहूंगा। भोपाल से भी मैं मनोज जी के पास भी पहुंचूंगा, क्योंकि बड़े जानकार हैं दोनों, बड़े अनुभवी पत्रकार, कई इलेक्शंस इन्होंने देखे हैं। भवानी जी जो कि जयपुर से, और हमारे मनोज जी जो कि भोपाल से मौजूद हैं। एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं जी। हाँ, क्या हुआ? अब मैं आ गया जी। जनाब बोलिए, वेरी गुड, क्विक। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर उपस्थित महिला से, हाँ। वो मेरी बहन हो जो भी है। हाँ, बहन है, बोलिए। आपने महिला सुरक्षा की बात की। अरे अरे, तुम लोग भूल गए कि तुम लोग दिल्ली से हो, हाँ? भाई आपने महिला सुरक्षा की बात किया, हाँ। NCRB के डाटे बता देते हैं, पहली हाँ। चीज आपको महिला सुरक्षा की एक बात बताऊं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश, जहाँ पर 4-5 महिलाओं के एक दूल्हे से शादी होती है। अभी दूल्हों का घोटाला हुआ। दूल्हे का घोटाला? अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं आता हूँ, मैं वो भी देख लूंगा। अरे कवि जी, थोड़ा सा माहौल बदल दो जल्दी। रवि जी वहां पे मौजूद रहे, जल्दी से माहौल बदलो फटाफट।